वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीईटी राजस्थान 2022, जिसका एग्ज़ाम जनवरी 4 से 6 जनवरी को होने वाला है। और ये किस जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आठ आठ पोस्टों के लिए ये एग्ज़ाम होने वाला है, जो एक प्री की तरह काम करेगा। किसकी तरह? प्री की तरह काम करेगा। इसका सिलेबस मैंने वीडियो बना रखा है इसके सिलेबस के ऊपर, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो हम इसके अंदर 10 क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर हिंदी का ये मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, कंटमव्य, व्यंजन, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये टेस्ट पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ये निम्नलिखित में से कंठव्य व्यंजन व्यंजन कौन सा है। तो व्यंजन बहुत टाइप के होते हैं, कंठव्य होते हैं, तालव्य होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कंठव्य व्यंजन कौन सा है? तो ठ नहीं है, द भी नहीं है, ब भी नहीं है, क्योंकि ग कंठव्य है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो जाएगा। अब जो कंठव्य कौन कौन से होते हैं, कंठव्य होते हैं तालव्य होते हैं, मूर्धन्य होते हैं, दंत्य होते हैं, बच्चे होते हैं, ओष्ठ्य होते हैं, दंतोष्ठ्य होते हैं और स्वर होते हैं। तो कितने? आठ प्रकार के होते हैं। तो कंठव्य जो गले से बोले जाते हैं, जो कंठव्य होते हैं वो बोले जाते हैं गले से। तालव्य जो तालव्य होते हैं वो कहाँ से बोले जाते हैं? वो कठोर तालु, कठोर तालु से, मतलब जीभ के अंदर वाला जो वो भाग लटकता रहता है ना, वहाँ से बोले जाते हैं। मूर्धन्य जो मूर्धन्य होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं? तो मूर्धन्य जैसे ठ ठ ड ड ण ड ड स, ठीक है, तो ये हो गए मूर्धन्य। और जैसे जो दंते होते हैं जो दांतों से बोले जाते हैं, जैसे कि तय, दांत आपस में ऊपर नीचे जो दांत होते हैं वो जुड़ते हैं, तय हो गया, थ हो गया, द हो गया, द हो गया, न हो गया, तो ये हो गए दंते। कौन से? दंते। ठीक है। और जैसे कंठव्य में क ख ग ग ण, जो क वाली लाइन है वो पूरी कंठव्य से आती है। तालव्य में चय छ ज ज ण, वो तालव्य वाली जो च वाली लाइन है वो तालव्य वाली आती है। मूर्धन्य में जो ट वाली लाइन है वो मूर्धन्य में आती है। दंते में त वाली लाइन आ जाती है। ओष्ठ्य होठो, जो दोनों होठो जब जब कोई शब्द बोलते हैं, ठीक है, दोनों होठ मिलते हैं, तो उसको जैसे जो प वाली लाइन होती है वो ओष्ठ्य होती है। कौन सी होती है? ओष्ठ्य। जैसे कि प फ भ मैं, ठीक है। और जो स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र से जो बोला जाता है वो एकमात्र शब्द है, क्या है, वर्ड है, वो है। कौन सा है? ये बोला जाता है स्वर यंत्र से, स्वर यंत्र से बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो कर्ज के बोझ से दबी बुढ़िया प्राण त्याग दी, तो ये तो गलत हो जाएगा। कर्ज की बोझ, कर्ज की, ये तो यही गलत हो गया। कर्ज के बोझ से दबी बुढ़िया ने प्राण त्याग दी, तो ये गलत हो जाता है। दी नहीं, दिए होगा। तो कर्ज के बोझ से दबी बुढ़िया ने प्राण त्याग दिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कर्ज के बोझ से दबी बुढ़िया ने प्राण त्याग दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द, ये है वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो व्यक्ति अपने पद से हटा दिया गया हो, निलंबित कर दिया गया हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पदच्युत। क्या कहा जाता है? पदच्युत। या बर्खास्त किया हुआ, उसका मतलब होता है बर्खास्त किया हुआ। नेक्स्ट है फिर, भोरा गुनगुनाता है, तो ये रेखांकित जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से भोरे का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो उसके लिए आपको जो भौरा भौरा होता है उसके पर्यायवाची आपको आने चाहिए। तो उसके पर्यायवाची कौन से? मधुकर, बिल्कुल सही होता है, अली भी होता है, मधु भी होता है, और मीन ये नहीं होता, क्योंकि मीन किसका होता है? मीन होता है मछली का। किसका होता है? मछली का होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह काम मैं आप कर लूंगा, मैं आप शब्द है, तो यह काम मैं आप कर लूंगा, इसमें जो आप है वो शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो ये आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम है इसमें, इस वाक्य के अंदर जो आप शब्द है वो इसके अंदर निजवाचक सर्वनाम आएगा। क्यों आएगा? यह काम मैं आप कर लूंगा, इसके अंदर जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, जैसे कि उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है, वो निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मतलब अपने आप, निजी, अपने आप से संबंध, अपने आप में संबंधित, जो खुद से संबंध दर्शाता है, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मैं,
जैसे कि मैं खुद लिख लूंगा, ठीक है। और जैसे कि तुम अपने आप चले जाना, तुम अपने आप चले जाना, तो ये निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। कौन से सर्वनाम में? निजवाचक सर्वनाम में। तो निजवाचक सर्वनाम के जैसे कुछ और उदाहरण, जैसे कि मैं अपना काम स्वयं करना पसंद करता हूँ, मैं अपने पढ़ाई अपने आप करूँगा, मैं खुद नहीं कर सकता, मुझे सहायता चाहिए। तो ये सारे चीज जो वाक्य हैं वो निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए शब्द युग्म में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। चरित्र, चरित और चरित्र। तो चरित्र का तो आपको पता है, चरित्र का मतलब होता है आचरण, मतलब उसका आचरण कैसा है। और चरित का मतलब क्या हो जाएगा? अब इसके अंदर आचरण किसमें है? तो ये नहीं है, आकार ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आचरण इसमें है, तो हमारा आंसर भी ये हो जाएगा। चरित का हो जाएगा जीवनी और चरित्र का हो जाएगा आचरण, तो ये अर्थभेद हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जीवनी और आचरण। क्या है? जीवनी और आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के विलोम शब्द से मिलाइए। ठीक है, तो यह है विलोम शब्द। अब विलोम शब्द में सबसे पहले देखेंगे गणतंत्र, तो गणतंत्र का क्या होगा? स्वतंत्रता क्या? सबसे पहले स्वतंत्र, स्वतंत्र क्या होगा? परतंत्र होगा, मतलब जो स्वतंत्र आजाद है, और परतंत्र मतलब वो क्या है? दास। वेतनिक का अवेतनिक हो जाएगा, मतलब वेतनिक जिसको सैलरी मिलती है, अवेतनिक जिसको सैलरी नहीं मिलती है। दहन, दहन का मतलब जलाना, और समन का मतलब बुझाना। जैसे कि दहन कोई, तो जो आग बुझाने का जो यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? अग्निशमन यंत्र बोलते हैं। तो समन का मतलब होता है बुझाना। तो गणतंत्र का क्या हो जाएगा? राजतंत्र हो जाएगा। तो एकावन, 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 बी का टू, सी का थ्री और डी का फोर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद का विकल्प हो। संधि विच्छेद, तो पित्रादेश, तो पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा पित्रा, ये तो गलत है, पित्र ये भी गलत है, पित्र ये भी गलत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा पित्र प्लस आदेश, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसके अंदर कौन सी संधि है? तो इसके अंदर यण स्वर संधि है। कौन सी है? यण स्वर संधि है। क्योंकि यण स्वर संधि में क्या होता है कि यण स्वर संधि में होता है जो ई ई ई ठीक है, और उ उ या जो री होता है उसका मेल यदि असमान, असमान स्वर के साथ हो जाता है तो उससे क्या बनता है? उसका बन जाता है य व और र बन जाता है। क्या बन जाता है? य व और र। जैसे कि यद्यपि है, यद्यपि है, तो यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस अपि। तो यदि मतलब ई छोटा है और अपि मतलब ए, तो ये कौन सी संधि हो गई? तो यह हो गई यण स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित, उपसर्ग रहित शब्द है? तो इनमें से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? तो सुरेश, विदेश में वि उपसर्ग है, अत्यधिक में अति उपसर्ग है, संयोग, संयोग में सम उपसर्ग है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेश। तो सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है, बल्कि सुरेश के अंदर ये उपसर्ग रहित शब्द है। ठीक है, तो विदेश के अंदर मैंने बताया आपको, विदेश उपसर्ग आ गया, अत्यधिक में अति उपसर्ग आ गया, और संयोग में सम उपसर्ग आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए व कारक के अनुसार मिलान कीजिए। तो वृक्ष से पत्ता गिरा, तो वृक्ष से पत्ता गिरा कौन सा कारक है? हे ईश्वर गरीबों पर दया कीजिए। अध्यापक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। कबूतर पेड़ पर बैठा है, तो इसके अंदर क्या होगा आंसर? तो बताइए आप मुझे आंसर क्या होगा। तो जैसे कि वृक्ष से पत्ता गिरा, तो वृक्ष से पत्ता गिरा, तो इसके अंदर कौन सा है? मतलब वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, तो इसके अंदर कौन सा कारक हो जाएगा? अलग होने के अर्थ में अपादान कारक आता है। क्या आता है? अपादान कारक, मतलब से अलग। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? हे ईश्वर गरीबों पर दया कीजिए। हे ईश्वर, तो ये कौन सा आया है? संबोधन। तो किसको संबोधन हो रहा है? तो ईश्वर को संबोधन हो रहा है, तो सेकंड का क्या हो जाएगा? संबोधन का। फिर क्या है? अध्यापक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। अध्यापक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, इसका हो जाएगा संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। क्यों दी? पढ़ने के लिए दी। फिर कबूतर पेड़ पर बैठा है, तो कबूतर पेड़ पर बैठा है का क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं
इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर थर्ड। पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का बी। आई होप आपको ये टेस्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये टेस्ट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और जिसको भी सी ए टी, जो भी सी ई टी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप अपने दोस्तों के जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उसको शेयर करें ये वीडियो, ताकि व्यूज़ आए और मुझे भी मोटिवेशन मिले और आगे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक ये पूरा वीडियो देखने के लिए।